जिला कांगड़ा के संगीत शिक्षक नरवीन गरलानी ने अपनी जिंदगी को संगीत से संवारा है और संगीत की शिक्षा भी कई शिष्यों को दी गई है। वे अपने गानों को खुद लिखते हैं और निर्देशन भी करते हैं। अभी शिवरात्रि को ही उन्होंने अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत की है। उन्होंने एक शिव भजन जिसका नाम बनाता हो कोई काम वो जग सिमरे शिव जी का नाम अपने ही YouTube चैनल पर रिलीज किया है। इस भजन को सोशल मीडिया पर काफी पसंद भी किया जा रहा है और तेजी से वायरल भी हो रहा है। जल्द ही उनके दो और गाने मार्च में पहाड़ी में रिलीज होने वाले है। नरवीन गरलानी मुख्यतः गरली परागपुर के रहने वाले हैं और अभी वे अपने परिवार पत्नी व बेटी के साथ ज्वालामुखी में रहते हैं। नरवीन गरलानी इसमें बतौर प्रधानाचार्य गर्ल्स स्कूल गरली में कार्यरत हैं। इससे पहले वे 11 वर्ष 2001 से 2011 तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्वालामुखी में बतौर संगीत शिक्षक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नरवीन रेडियो पर भी गाने गा चुके हैं। उन्हें 10 साल पहले एयर इंडिया की तरफ से बोल्ट और रैंक अवार्ड भी मिल चुका है। स्कूल में उन्होंने कई छात्रों को संगीत की शिक्षा दी है। नरवीन ने संगीत में MA जालंधर से की है और MPhil कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है। इसमें वे 58 वर्ष के हैं। लगभग 10 वर्षों के बाद एक बार फिर संगीत के नए क्षेत्र में अब वे धमाल मचाने को तैयार हैं और हिमाचल में एक और लोक गायक अपनी पहचान बनाने के लिए सफर पर निकल चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव 2020 के पांचवें दिन विभिन्न खेलकूद व अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस कड़ी में पुलिस अधीक्षक गुरुदेव चंद शर्मा ने 3 दिवसीय छिंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गुरुदेव चंद शर्मा ने बताया कि छिंज में अंडर 21 आयु वर्ग प्रतियोगिता में 48 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि ओपन प्रतियोगिता आज से आरंभ होगी। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि मेले में छिंज दर्शकों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। उन्होंने कहा कि छिंज भारत का प्राचीन खेल है, आज भी देश के कोने कोने में इसकी लोकप्रियता है। मेले में देश भर के नामी पहलवान दंगल के दांव पेच दिखाएंगे। इस अवसर पर दंगल कमेटी के अध्यक्ष जानकी दास डोगरा ने पुलिस अधीक्षक को शॉल स्मृति चिन्ह तथा विशेष अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष सुमन ठाकुर को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। वही मेले में चल रही वाद्य यंत्र प्रतियोगिता में 123 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। नाट्य प्रतियोगिता में 23 टीमों ने हिस्सा ले रही हैं। दोनों प्रतियोगिताओं के प्रथम चरण का दौर पूरा हो चुका है। द्वितीय व तृतीय चरण 27 व 28 फरवरी को होंगे। प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। कबड्डी में कुल 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कबड्डी के 2 सेमीफाइनल हो गए हैं, जिनमें गैलेक्सी क्लब सियासी व तूफान क्लब पंडो की टीम बिजी रही। महिला वर्ग कबड्डी में तूफान क्लब पंडो और ITI मंडी की टीमों के बीच मैच हुआ, जिसमें ITI मंडी की टीम बिजी रही। सोलन शहर के आसपास के गांव आवारा पशुओं से बेहद परेशान हैं। गांव के किसान सारा वर्ष खेत में मेहनत करते हैं और जब फसल तैयार होने वाली होती है तो कुछ फसल बंदर नष्ट कर देते हैं। बची हुई फसल पर कभी मौसम की मार पड़ जाती है तो कभी कीटनाशक उनके लाभ को कम कर देते हैं। लेकिन बसार पंचायत के गांव बैर के शहर में आजकल किसान आवारा पशुओं से भी बेहद परेशान हैं। बेसहारा पशु खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, तो जब उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता तो वे खेतों में घुस जाते हैं। और फसल को नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के किसान बेहद आहत हैं और उनमें बेहद रोष पनप रहा है। गांव की युवा किसान यामिनी ठाकुर ने बताया कि उनके गांव बैर किसान में आजकल आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। ये पशु उनके खेतों में घुस जाते हैं और उनकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से इस गांव के सभी किसान बेहद परेशान हैं। उन्होंने मांग की है कि जिन किसान और गांव वासियों ने ये पशु इस तरह से आवारा छोड़े हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को आवारा ना छोड़ सके और उनकी फसल नष्ट होने से बच जाए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के उच्च उच्चाय
क्षेत्रीय केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन सचिव सी के मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत आरंभ किया। इस मौके पर उनके द्वारा पारिस्थितिकीय तंत्र जीव कोष भवन का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर यशवंत सिंह परमार के कुलपति और शूलनी विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल हुए। फोनल डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन ट्रांस हिमालयन लैंडस्केप विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन सचिव सी के मिश्रा ने बताया कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण केंद्र द्वारा बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के सभी वैज्ञानिक हिमालय में बसे जीव जंतुओं का विस्तार से अध्ययन करते हैं, उन जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जैव विविधता बेहद पाई जाती है, इसलिए इस केंद्र का महत्व और भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि हिमाचल में इस तरह के केंद्र और स्थापित हों ताकि जीव जंतुओं को लेकर ज्यादा खोज हो और उनकी बेहतरी को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा सकें।